बैक और पीछे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य राजकीय कन्या पब्लिक इंटर कॉलेज आवलखेड़ा में किया पौधारोपण। आगरा जनपद के आवलखेड़ा में पंडित श्री राम शर्मा कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में प्रधानाचार्य व वन अधिकारियों ने फलदार व फूलदार पौधे लगाए। प्रधानाचार्य ने कहा कि हमें विशेष मौके पर पौधारोपण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे जिनके कारण आज हमारा जीवन सुरक्षित है, इनकी देखभाल और पालन पोषण करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को सदैव सर्वोपरि रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि पेड़ पौधे में ईश्वर का वास रहता है। उदाहरण के लिए केला, पीपल, बड़ा आंवला व तुलसी की पूजन प्रतिदिन की जाती है। प्राचीन साहित्य में पौधारोपण और वृक्षों की देखभाल की पर्याप्त चर्चा की गई है। चूंकि भारत की जलवायु गर्म है, इसलिए यहां आदिकाल से ही पौधारोपण को महत्व दिया गया है। इस मौके पर प्रधानाचार्य फुल स्टॉप और वन विभाग टीम विद्यार्थियों ने पौधारोपण किया। MP न्यूज़कास्ट आगरा से संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। आज क्या प्रोग्राम मनाया गया, किस मौसम? ये 107 जुलाई को प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है बनवा के द्वारा। ये सरकारी संस्थान हुए, स्कूल हुए, अस्पताल हुए, इस जगह के प्रकृति को बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए, जागरूक करने के उद्देश्य से 107 जुलाई को प्रत्येक वर्ष को वन महोत्सव मनाया जाता है बनवा के। यहाँ पे कितने पेड़ लगाए? यहाँ फलदार पौधों का रोपण किया गया। रोल कितने वृक्ष लगाए गए और किस किस के वृक्ष? आज हम लोगों ने विद्यालय में फलदार पौधों का लगाकर शुभारंभ किया गया है वन महोत्सव के नाम पर। और बच्चों को ये भी बताया गया कि हर जीव को के लिए हरियाली जरूरी है। जो सुख एसी में नहीं है वो हरियाली में है सुख। रोल क्या प्रोग्राम रखा है वन महोत्सव द्वारा, क्या कार्यक्रम रखा है? वनों का महत्व तो सभी लोग जानते हैं। पेड़ पौधे हमारी जीवन वायु है, इनसे हमारा जीवन चलता है। तो सरकार का भी लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो हैं वो जितने ज़्यादा लगेंगे उतने ही हमारी वायु शुद्ध होगी। तो पूरे देश में ये प्रोग्राम पेड़ पौधे लगाने का चलाया जा रहा है। हमारे विद्यालय में भी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक का भी आदेश है कि 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक वन पखवाड़ा मनाया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग द्वारा हमारे विद्यालय में फूल वाले और फल वाले पौधे लगाए गए हैं।